वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ऑन फ्राइडे फ्लैग्ड ऑफ हर घर तिरंगा बाइक रैली फ्रॉम न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। टॉप लीडर्स लाइक जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर एंड मीनाक्षी लेखी एमंग एमपीज एंड मिनिस्टर्स हु जॉइंड द रैली। पार्टिसिपेंट्स चैंटेड वंदे मातरम एंड भारत माता की जय स्लोगन्स एज द रैली मार्च्ड ऑनवर्ड्स। This celebration is part of second Har Ghar Tiranga Abhiyan by the government and aims to promote patriotism and national pride among citizens. The initiative urging individuals to raise the national flag at their residences is said to be observed nationwide from August 13 to August 15 this year. In order to mark the 75th anniversary of the Indian independence, Prime Minister Narendra Modi had launched the Har Ghar Tiranga campaign in 2022. Last year, the campaign achieved remarkable success with countless families unfurling the tricolor at their homes and an impressive 6 crore individuals sharing selfies on the Har Ghar Tiranga website. Azadi ka Amrit Mahotsav pichle 2 varshon mein lakhon karyakram desh bhar mein kiye gaye, karodon log usse jude, sankalp ek hi man mein tha. 75 वर्ष आजादी के हुए हैं, संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तिरंगे की ताकत को और बढ़ाना है। और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और ना केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। ये अवसर है हमें कि तिरंगे को घर घर लहरा दो। पिछले साल भी जब हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, तब हमने देखा कि जो 2011 में जब मैं तिरंगा यात्रा लेके कश्मीर गया था, तो उससे पहले कश्मीर में तिरंगे झंडे को बहुत बार जला दिया जाता था। पाकिस्तान के झंडे को कई लोग अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन 370-35 से भी चला गया। और पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार चला था, और इस बार भी देश के हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हम सब ये प्रण लेंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। सबकी खुशी दिखाई दे रही है और यही उत्साह को बनाए रखना है ताकि आजादी का अमृत महोत्सव में जब भारत अमृत काल में एंटर करे, उसी उत्साह के साथ देश को आगे लेकर बढ़ना है। विद ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी न्यूज़।